बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है और वो है एजुकेशन और उसके फंक्शन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पास पेपर में आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में सोशल इंस्टीट्यूशन और जो काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन है लाइक फैमिली, लाइक मैरिज, लाइक रिलीजन, एजुकेशन, ये काफ़ी रिपीटेडली हमें नज़र आते हैं। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इस टाइम आयशा खान की बुक है और उसका पेज नंबर 335 है, 335, जिसके ऊपर डेफिनेशन लिखी है। तो मैं इसको आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट कहते हैं, सैम्यूल कोइन की डेफिनेशन है, एजुकेशन में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ वेयर बाय द सोशल हेरिटेज ऑफ अ ग्रुप इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू एनदर। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पर हुई है वो सोशल हेरिटेज की हुई है, यानी हमारी सोसाइटी और उसके अंदर हमारा जो हेरिटेज है, यानी कि हमारा विरसा है, हमारे नॉर्म्स हैं, हमारी वैल्यूज हैं, हमारी थिंकिंग है, ओवरऑल हमारी सोसाइटी का एक इमेज है जो कि एजुकेशन के थ्रू, हमारी हिस्ट्री, हमारे हीरोज, हम सब एजुकेशन के थ्रू हासिल करते हैं और फिर वही एजुकेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है। उसके बाद कहता है, एज वेल एज द प्रोसेस वेयर बाय द चाइल्ड बिकम्स सोशलाइज्ड। अब ये दूसरा एस्पेक्ट है, हमने पढ़ा है कि सोशलाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन भी इसको कह सकते हैं, और इसके अलावा आप ये कह लें कि सोसाइटी में जब मुख्तलिफ इंसान मिलकर रहते हैं और अपने आप को वो बेहतर बनाते हैं हमेशा सोशलाइजेशन के थ्रू। यानी कि आप देख लीजिए कि अगर कोई ऐसा इंसान या ऐसा बच्चा जो कि दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करता, उसका एक टोटली जो पर्सपेक्टिव होगा सोसाइटी को लेकर वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और उसके ऑपोजिटली अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि सोशलाइज करता है, वो लोगों में उठता बैठता है, वहीं से बेसिकली वो वैल्यूज को भी सीखता है और वो अपने ऊपर कंट्रोल और चेक एंड बैलेंस भी रखता है कि दूसरे मुझे किस निगाह से देखते हैं। तो इस वजह से सोसाइटी के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होता है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि एजुकेशन सोशलाइजेशन का भी एक जरिया है, यानी इसमें भी हम सोसाइटी के बारे में भी पढ़ेंगे और जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन मौजूद है कि जहाँ पर हम मुख्तलिफ लोगों से जाकर इंटरेक्ट करते हैं। अब देखिए कि एक वो बच्चा जो कि कभी स्कूल नहीं गया और एक वो बच्चा जो कि रेगुलरली स्कूल जाता है, उन दोनों में डिफरेंस होगा लाजमी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप अपनी एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपने अपने घर में नहीं सीखी बल्कि आपने अपने स्कूल से सीखी हैं। डेफिनेटली फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर भी आप इनिशियल लेवल पर बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन इवन देन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मतलब सोसाइटी में उठना बैठना, लोगों में उठना बैठना, अपने घर वालों के साथ आप जैसे मर्जी बिहेव कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन चार लोगों में जाकर बैठना, दूसरे सोसाइटी के मेंबर्स के साथ जाकर इंटरेक्ट करना, तो ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट है जो कि आप स्कूल लेवल पर जाकर बच्चों को सिखाते हैं। तो इस वजह से एजुकेशन का ये डबल पर्पस हम इस डेफिनेशन के मुताबिक देख सकते हैं। एक तो ये कि वो ट्रांसमिशन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हमारी वैल्यूज हैं, और दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पर जो मेंशन की है कि जो बच्चा है वो सोशलाइज होगा बाय वे ऑफ एजुकेशन। उसके बाद कहते हैं, दैट इज लर्न्स द रूल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ द ग्रुप इन टू विच ही इज बॉर्न। अब वही ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, एक पूरा का पूरा चैप्टर मौजूद है इस बुक में। अब जब आप किसी ग्रुप के मेंबर बनते हैं तो उस ग्रुप के अंदर एडजस्ट होना एक मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लाइक आप याद करिए, जब आप छोटे थे, जब आप पहले दिन स्कूल गए तो यू वर नर्वस, ठीक है, आप परेशान भी थे, आप नर्वस भी थे, आप एडजस्ट एकदम से नहीं कर पाए उस ग्रुप में, ठीक है, मुख्तलिफ लोग आपको मिलते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए ग्रुप्स अडॉप्ट करना आसान होता जाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो इस वजह से उस ग्रुप को अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस वजह से अब ये जो एजुकेशन है, जब वो उधर जाना शुरू कर देगा डेली बेसिस पर, फिर उसके बाद वो एजुकेट होगा, फिर उसको ये एहसास होगा कि हम सब लोग एक ही हैं, हमारे टीचर जो हमें एक्सरसाइज करवा रहे हैं वो सारों के लिए ही है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको लगेगा कि आई बिलोंग हियर।
जस्ट लाइक आप यूनिवर्सिटी जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो एक टाइम आता है जब आपको एक अपनाइयत का एहसास होना शुरू हो जाता है कि हम एक ही ग्रुप हैं, हमने अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होना है। और ये फिर ये जो फीलिंग्स हैं आप कह लें कि इकट्ठे होने की या एक ग्रुप फॉर्म करने की, तो वो फिर ज़्यादा होती रहती हैं। तो ये बेसिकली एजुकेशन की डेफिनेशन और फंक्शंस बताए जा रहे हैं, और ये डेफिनेशन थी सैमुअल कोइनिक की। अब हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं जो कि एफ जे ब्राउन और जे एस रोसेक की डेफिनेशन है, और इसमें ये कहते हैं एजुकेशन इज द सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंस विच मोल्ड्स द एटीट्यूड्स एंड डिटर्मिन्स द कंडक्ट ऑफ बोथ द चाइल्ड एंड द एडल्ट। अब यहाँ पर भी आप बात यही है जो हमने पहले पढ़ी है या समझी है कि बेसिकली एजुकेशन के जरिए से आप अपना बिहेवियर मोल्ड करते हैं, यानी कि जिन चीज़ों का आपको नहीं पता होता, सोसाइटी के जिन नॉर्म्स का, जिन वैल्यूज़ का, जिन प्रिंसिपल्स का, जिस रख रखाव का आपको नहीं पता होता, आपका बिहेवियर शायद पहले वैसा नहीं होता, आप इतनी चीज़ें नहीं सीखते जब आप अपने घर में रहते हैं, ठीक है। तो एक इंटायरली डिफरेंट पर्सनैलिटी आपको मजबूरन डिवेलप करना पड़ती है जब आप सोसाइटी में बाहर जाते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशंस का बेसिकली क्रक्स निकलेगा कि जहाँ पर आप नॉर्म सीखेंगे, वैल्यू सीखेंगे, प्रिंसिपल सीखेंगे सोसाइटी के, और डेवियंस या उन बिहेवियर से बचेंगे जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, और आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करेंगे। तो ये बेसिकली डेफिनेशंस थी दोनों एजुकेशन की। इसमें एक बात मैं बताता चलूं कि आप जितनी डेफिनेशंस चाहें याद कर लें, आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन चूंकि टाइम थोड़ा है हमारे पास, इस वजह से मैं सिर्फ एक या दो डेफिनेशन सारे क्वेश्चन में बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए और फिर हम आगे मूव कर सकें। आगे हम देखते हैं कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है। इस बुक के मुताबिक तीन एम्स एजुकेशन के दिए गए हैं। फर्स्ट में कहता है एजुकेशन इज द डिवेलपमेंट ऑफ द पावर टू थिंक एंड नॉट द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर पावर टू थिंक है और एक्विजिशन टू इंफॉर्मेशन है, ये दोनों स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। यानी पहले हम एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन हासिल करना, इंफॉर्मेशन एक्वायर करना। अब ये है कि लेट से कि हमारे पास दो लोग हैं, दोनों को सेम इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब क्या है कि उनमें से एक बंदा उसको पॉजिटिवली यूज करता है और अपने अंदर थिंकिंग पावर पैदा करता है और अपने माइंड को डिवेलप करता है, तो हम ये कहेंगे कि जो एजुकेशन का प्रॉपर फंक्शन था वो उसके ऊपर असरअंदाज हुआ, उसने वो अफेक्ट वहाँ से लिया और उसको एजुकेशन का फायदा हुआ, यानी कि वो अब पावर टू थिंक उसके पास आ गई है। इसको मैं मिसाल के तौर पर ऐसे मैं कह सकता हूँ कि एक चीज़ होती है, लेट से कि एक बंदा है वो गाड़ी चलाना सीखना चाहता है। अब क्या होगा कि वो एक गाड़ी चलाना सीख लेता है, अब दूसरी गाड़ी उसको दी जाएगी तो वो उसको नहीं चला सका, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने ड्राइविंग नहीं सीखी बल्कि उसने सिर्फ उस गाड़ी को चलाना सीखा है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन ले ली लेकिन पावर टू थिंक पैदा नहीं की, ठीक है। तो यही मतलब हुआ कि आपने मतलब एक गाड़ी चलाना सीख ली लेकिन ड्राइविंग नहीं सीखी। अगर आप ड्राइविंग सीख जाते तो कोई भी गाड़ी आपको दे दी जाती, आप उसको आराम से चला सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो जो लर्निंग करनी थी या आपको जो लर्निंग करनी चाहिए थी उस इंफॉर्मेशन से, वो आपने नहीं की और आप एक कामयाब लर्नर या कामयाब ड्राइवर नहीं बन सके। इसी तरीके से सेकेंड एम में लिखते हैं एजुकेशन इज अ सर्च फॉर वर्चू एंड ट्रूथ रादर देन टेक्निकल प्रोफिशंसी। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है, यहाँ पर वो ये कहते हैं कि बेसिकली एजुकेशन का मकसद वर्चू होना चाहिए। वर्चू मतलब आपके अंदर नेकी की सिफात पैदा हो, आप अच्छे इंसान बने, आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएं। ये सिर्फ टेक्निकल प्रोफिशिएंसी नहीं है, यानी जैसे अगर हम लॉ पढ़ रहे हैं, LLB कर रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक बंदा वो हो सकता है जो कि लॉ पढ़कर लोगों की मदद करे, या फिर वो मदद ना भी करे लेकिन अपने अंदर वो थिंकिंग डिवेलप कर ले कि मैंने क्या करना है, मैंने सच्चाई का साथ देना है, बुराई का साथ नहीं देना, ये वर्चू है। लेकिन क्या है कि दूसरा बंदा वो क्या करेगा कि उसका एम सिर्फ पैसे कमाना है, वो टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है और उस टेक्निकल प्रोफिशिएंसी को वो यूज़ करता है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। अब वो अच्छा या बुरा नहीं देख रहा, वो ये नहीं देख रहा कि मैं किसका साथ दे रहा हूँ, मेरा क्लाइंट कैसा है, वो अच्छा है बुरा है, सही करके आया या गलत करके आया, लेकिन वो क्या करता है कि सिर्फ उसका
जो उसका टेक्निकल नॉलेज है उसको वो किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो जो एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन का मकसद या एजुकेशन का वर्ड जैसे हमने पहले पढ़ा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, उसका काम आपको अच्छी चीज़ें सिखाना है, ठीक है, बुरी चीज़ें सिखाना नहीं है। तो ये इसका सेकंड पर्पस था। थर्ड में कहते हैं एजुकेशन लुक्स टू लास्टिंग ट्रूथ बेस्ड ऑन रीजन नॉट टू मेयर ओपिनियन और प्रैक्टिकल नॉलेज। अब ये भी बड़ी डीप उसने बात कही है कि ये सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इस्तेमाल नहीं करना बल्कि आपने इसको रीजन के लिए इस्तेमाल करना है। रीजन का मतलब है लॉजिक, यानी कि किसी भी काम के पीछे कुछ लॉजिक, कुछ रैशनल होना चाहिए। ये नहीं कि आप अनपढ़ लोगों की तरह जो चाहे आप करना शुरू कर दें, ठीक है। तो एजुकेशन का बहरहाल मकसद वो सच्चाई तक पहुंचना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एम्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली जो पेपर में पूछा जाता है वो फंक्शंस हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है लेकिन हम शॉर्टली इसको करेंगे और हम डायरेक्टली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन पर आते हैं कि एक सोसाइटी में या किसी एक शख्स के लिए एजुकेशन क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चर का टॉपिक आपने बड़ी डिटेल से पढ़ा है। कल्चरल ट्रांसमिशन यानी हमने उस टाइम भी पढ़ा था कि आप अपनी सोसाइटी के कल्चर को सीखते हैं तो आप वो कल्चर कैसे सीखते हैं। लेट्स से कि अगर हमें हमारी हिस्ट्री का बताया जाए, या जैसे आपने कायदे आज़म के बारे में पढ़ा है, अलामा इकबाल के बारे में पढ़ा है, या आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, या फिर आपने अपने इलाके के कल्चर के बारे में पढ़ा है, उसकी पोइट्री के बारे में पढ़ा है, उसके हीरोज़ के बारे में पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है आपने, मतलब पढ़ा है ना, आपने एजुकेशन ली है बेसिकली, ठीक है। तो एजुकेशन का जो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पर्पस है वो कल्चरल ट्रांसमिशन है। अब एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना तो नहीं है, एजुकेशन तो वो भी है कि जब आपके वालदैन ने, आपकी वालदा ने, आपके वालिद ने, आपके बड़े भाई ने, आपके मामू चाचू ने आपको ये बताया कि बड़ों से तमीज़ से बात करनी है, छोटों के ऊपर शफकत करनी है, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है। अब ये क्या है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। हमने मेहमान अगर आ जाए तो हमने उसकी मेहमान नवाजी करनी है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो जो उस्ताद होगा, जो टीचर होगा, वो ऑलरेडी आपसे ज़्यादा सीखता है या उसकी एज ज़्यादा होगी या उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा सोसाइटी में रहने का, तो ऑलरेडी जो उसके अंदर चीज़ें होंगी वो भी आप में ट्रांसमिट करेगा और बाकी ओवरऑल एजुकेशन के ज़रिए से आप कल्चर सीख लेते हैं। आपके जो फेलोज़ होंगे उनसे आप कल्चर सीखेंगे। लेट्स से कि अगर आप एक क्लास में हैं और आप एक प्रोविंस से हैं, दूसरा जो आपका दोस्त है वो किसी दूसरे प्रोविंस से है, दूसरे इलाके से है, आप उसको अपना कल्चर सिखाएंगे और वो आपको अपना कल्चर सिखाएगा। तो इस तरीके से ऐसे जब शेयरिंग होती है ग्रुप में रहते हुए, तो एजुकेशन चाहे वो बुक्स के ज़रिए से हो, चाहे कोई आपको बताए या फिर आप जस्ट इंटरेक्ट करें, तो कल्चर हमेशा ट्रांसमिट होगा। इसी तरीके से जो सेकंड फंक्शन है वो सोशल इंटीग्रेशन है। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। एजुकेशन क्रिएट्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी बाय हार्मोनाइजिंग द एटीट्यूड्स, आइडियाज, हैबिट्स, कस्टम्स, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगी, हम अपने जज्बात, एहसासात, हम अपनी हारमोनी, हम सब कुछ शेयर करेंगे। जैसे आपके स्कूल में जब एजुकेशन दी जाती थी, आपको बताया जाता था कि पाकिस्तान डे क्या है, पाकिस्तान डे पे परेड होती है, क्यों होती है, कैसे होता है, हमारा जो सोशल नॉर्म्स हैं, हम बीइंग मुस्लिम्स इकट्ठे हैं, हम मुस्लिम उम्मा हैं, ठीक है। तो सोशल इंटीग्रेशन की ये सारी चीज़ें हैं जिसकी हम एजुकेशन में बात करते हैं और जो हमें सिखाई जाती रही हैं। इसके बाद इट डिवेलप्स होमोजेनिटी बाय डिवेलपिंग जनरल लॉज ऑफ सोशल लाइफ। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज टुगेदर ऑन द कोऑपरेशन ऑफ कॉमन प्रिंसिपल्स फाउंड इन एजुकेशन। अब कॉमन प्रिंसिपल्स वही जो हम बार बार एक बात कर रहे हैं, हमारी सोशियोलॉजी के अंदर सारी चीज़ें हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, यानी जिन असूलों को, कवानीन के ऊपर अमल करते हुए हम उस सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर हम उन सोसाइटी के प्रिंसिपल्स पर अमल नहीं करते तो सोसाइटी में हमें अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो इस तरीके से जो एजुकेशन है वो सोसाइटी को यूनाइटेड रखती है। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्यूचर ऑक्यूपेशन में। ये आसान सा पॉइंट है कि एजुकेशन के ज़रिए से ही हम अपना पेशा चूज़ करते हैं कि हम क्या करेंगे। जैसे सोशियोलॉजी पढ़ने वाले सोशियोलॉजिस्ट बन जाएंगे, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या अदरवाइज कुछ ज्वाइन कर लेंगे, लॉ पढ़ने वाले लॉयर्स बन जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जज बन जाएंगे। इसी तरीके से एजुकेशन के ज़रिए से हमारा ऑक्यूपेशन भी डिसाइड होता है। उसके बाद है टेक्निक्स ऑफ लर्निंग स्किल्स। अब यहाँ पर कहता है एजुकेशन एनेबल्स मैन टू लर्न द टेक्निक्स ऑफ द प्रोफेशन ही हैज़ अडॉप्टेड
Education provides facilities for one who wants to study medical, engineering, or legal knowledge. It is a weapon by which an individual can gather the technical skills of his profession. वही बात जो हमने पहले पढ़ी है, तो हम जितने भी skills professionally सीखते हैं, वो education के जरिए से ही possible होते हैं. उसके बाद पॉइंट नंबर 5 socialization है. socialization को भी मैं पहले explain कर चुका हूँ, तो इसमें मैं दोबारा बात नहीं करूँगा. नंबर 6 के ऊपर rational thinking है. ये भी बड़ा आसान सा पॉइंट है कि एजुकेशन हमारे अंदर लॉजिक पैदा करती है, सोचने की सलाहियत पैदा करती है. एक पढ़ा लिखा बंदा हमेशा एक अनपढ़ बंदे से ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सोच सकता है. उसके बाद पर्सनल एडजस्टमेंट है, यानी कि ये भी हमने पढ़ लिया, जैसे ग्रुप के अंदर एडजस्टमेंट है, या आपके इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट है, या फिर अगर आप एजुकेशन ले लेंगे तो आप उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सकते हैं. जस्ट लाइक अगर आप पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि उनके कल्चर के हवाले से हैं और जो आपके लिए बीइंग मुस्लिम सम हाउ एक्सेप्टेबल हैं, तो आप उनको सीखने की कोशिश करेंगे. यानी कि आप उनकी लैंग्वेज को सीखेंगे, आप उनके तौर तरीकों को सीखेंगे, आप ये देखेंगे कि उस सोसाइटी में सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, आप वो करने की कोशिश करेंगे. इस तरीके से आपकी एडजस्टमेंट आसान हो जाएगी. आगे फैमिली लिविंग है. अब एजुकेशन ही हमें ट्रेन करती है कि फैमिली क्या है. अब यहाँ पर ये एजुकेशन का मतलब वो लिया जा सकता है जो कि इनिशियल लेवल एजुकेशन थी, जो कि आपको आपकी फैमिली से ही मिली है. तो इसमें मतलब कैसे रहना है, क्या करना है, आपके सोशल रोल्स डिवेलप होते हैं. लाइक आपको पता चलता है कि आप किसी के भाई हैं, तो उसमें आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. आप किसी के बेटे हैं, तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रोल क्या है. अगर आप फादर हैं, तो फादर का रोल आप प्ले करेंगे. अगर आपकी मतलब है कि हस्बैंड हैं, तो हस्बैंड का रोल किस तरीके से होना चाहिए वो आप देखेंगे. तो ये सारी चीज़ें आप एजुकेशन के ज़रिए से ही सोसाइटी में सीखते हैं. उसके बाद पैट्रियोटिज़म है. जैसे मैंने 14 अगस्त की एग्जाम्पल आपको पहले दे दी थी, अब ये पैट्रियोटिज़म आप देखिए कि आप एजुकेशन के ज़रिए ही लेते हैं. चाहे वो एजुकेशन आपने स्कूल में ली, या फिर आपने वो अपने मोहल्ले से ली, या फिर वो एजुकेशन आपने अपनी फैमिली से ली, तो हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि हमारा मुल्क क्या है. एक मुल्क, एक आज़ाद मुल्क का बाशिंदा होना, मेंबर होना, ये कितनी बड़ी नेमत की बात है. ठीक है. और पैट्रियटिज़म हमें ज़्यादातर स्कूल्स में सिखाया जाता है. आपकी पाक स्टडीज़ होती है, इसके अलावा आपके मुख्तलिफ चैप्टर्स होते हैं, आपको आपके हीरोज़ के बारे में बताया जाता है, कितनी मुश्किल से हमें ये मुल्क मिला, हमें वो बताया जाता है. और एक मुल्क होना, आज़ाद मुल्क के अंदर रहना, एक आज़ाद सिटीज़न के तौर पर, ये कितनी बड़ी नेमत है, ये हमें बताया जाता है. और पैट्रियटिज़म फिर ओवरऑल हम इस एजुकेशन के ज़रिए से ही सीखते हैं. आगे लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर मौजूद है, वो है कैरेक्टर बिल्डिंग. कैरेक्टर बिल्डिंग की भी हमने समहाउ बात कर ली है, जब हमने बात की कि हमने सोसाइटी में रहना है, हमने सोशल नॉर्म्स सीखने हैं, यानी वो प्रिंसिपल्स जिनके ज़रिए से सोसाइटी में रह सकते हैं और सोसाइटी जिनको एक्सेप्ट करती है. इसके अलावा अब हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होती है, कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, किन किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी, अब ये एजुकेशन हमें बताती है. अब चाहे वो इस्लामिक एजुकेशन हो, बीइंग मुस्लिम्स हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही है, कुरान है, हदीस है, हमारे बड़ों की बातें हैं, अब ये सारी की सारी चीज़ें एजुकेशन के ज़रिए से ही हम सीखते हैं. जस्ट लाइक आप देख लीजिए कि एक वो लोग जो कि जंगल में रहते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं. अब उनकी आप लिविंग स्टाइल्स देखें, आपको एहसास होगा कि हम लोग उनसे सोशली बहुत बेहतर हैं, हमारे तौर तरीके बहुत बेहतर हैं. वो क्यों बेहतर हैं, क्योंकि हमने एजुकेशन अचीव की, हमने एजुकेशन ऑब्टेन की, हम स्कूल्स में गए, कॉलेजेस में गए, हमने जो है वो बुक्स की स्टडी की है, हम मुसलमान हैं तो हम कुरान और हदीस पढ़ते हैं. इस वजह से ये सारी चीज़ें हमारी करेक्टर बिल्डिंग में मदद देती हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं. इसके अलावा बाकी चीज़ें भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 4 लोगों में उठना बैठना, किस तरीके से आप बिहेव करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको हेल्प आउट करेंगी. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक. उम्मीद है मैं आपको कुछ समझा पाया हूँगा. इसको एक दफ़ा आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको याद करिए. और ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इसमें जस्ट आपने हेडिंग्स को मलहूज़े खातिर रखना है. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़.